कहासुनी को लेकर पति पत्नी में हुए विवाद में पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगाते ही पत्नी घर की दहलीज पर घायल अवस्था में गिर पड़ी। इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मृतिका के घर वालों ने आरोपी ससुरालियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरवा कर शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के मुफ्ती सराय कस्बा के रहने वाले अमित नाम के युवक ने 3 साल पहले मिथिलेश नाम की युवती से लव मैरिज की। लव मैरिज के कुछ समय बाद ही दोनों में आए दिन कहासुनी होने लगी। इस कहासुनी के दौरान आज अमित ने मिथिलेश के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ के दौरान मिथिलेश घर की दहलीज पर गिर पड़ी, जहाँ पर सर में गहरी चोट लगने के कारण इलाज के दौरान मिथिलेश की मौत हो गई। मृतका मिथिलेश का एक बेटा 2 वर्ष का है। वहीं मृतका के घर वालों ने आरोपी पति अमित के खिलाफ चांदपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने इस घटना में आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। SPCT लक्ष्मी निवास मिश्र ने फोन पर बताया कि घर क्लेश को लेकर पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया था, जिसमें इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरवा कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। साथ ही मृतिका के घर वालों की तहरीर पर आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पति के साथ झगड़ा हुआ, उसकी लड़ाई हुई, मतलब जुआ खेलने के लिए पैसे मांगे इन्होंने, तो इन्होंने दिया नहीं, तो इसके पति ने इसके साथ मारपीट करी। मारपीट करके इसको मारा, फिर इसने दोबारा कहा कि मैं पैसे नहीं दे रही, बहुत खेल लिया जुआ, फिर उसके बाद में तुम्हें त्यौहार का टाइम है, मैं पैसे नहीं दे सकती तुम्हें जुआ खेलने के लिए। इन्होंने मारा पिट्टी करी, इसको देख कर मारा, नीचे पटक कर मारे, एक बार धक्का दिया इसको, इसके बहुत काफ़ी चोट लगी, मतलब उसके बाद इसकी मौत हो गई। 1.5 साल का इसका बच्चा भी है। अब बताओ, हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए इसके लिए, कि जैसा आज हुआ आज कल नहीं होना चाहिए ऐसा इसके लिए, तो कुछ तो मिलेगा नहीं इसके लिए, ऐसा कुछ हो कि मतलब इसे ऐसी सजा मिले कि मतलब ये फिर कल आगे के लिए इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये किसी के साथ ही ऐसा ना करे।